निरेट रहे पे सेटिंग आउट। सो गाइस अभी हम चार रास्ता बस स्टॉप पर हैं। पर का रीटेक भी। सो अभी हम चार रास्ता बस स्टॉप पर हैं। सो अभी बस आएगा और अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। चलते हैं, बोर हो चुके हैं, बस ही नहीं आ रही। अराउंड 6:45 के करीब हम बस से मार्केट में उतरते हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही होते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन 7 बजे होती है। सो हम 10 मिनट के अंदर कैसे भी करके हम भाग भाग के हमारी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन हम कैसे भी करके स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और फाइनली हमें ट्रेन मिल जाती है जो कि 5 मिनट रह जाते हैं छूटने को। अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, बहुत देर हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं अंदर। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी 7:07 हुए हैं और अभी हमें हमारे ट्रेन का नाम है कोंकण कन्या। ट्रेन का नाम है कोंकण कन्या वेब 4 लोकोमोटिव। हाँ हाँ, तू ही बता दे भाई। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है और पनवेल के लिए। सो हाँ, अभी हम बैठ चुके हैं, बहुत थक भी गए चुके हैं क्योंकि हम बहुत बार बार के आए थे। इसकी स्टोरी वो बाद में बताएगा। इसकी स्टोरी गाइस, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको ब्रिज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास अभी खाने में है आलू की सब्जी और चपाती, अभी हम खाएंगे। अभी हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो दिखा कुछ भी। हम गोवा से पनवेल जा रहे हैं क्योंकि हमारी एक सागरी सीमा मंच की एक मीटिंग है जिसे मराठी में बैठक भी कहते हैं। सो उसे सिर्फ अटेंड करने जा रहे हैं बस, और थोड़ा मौका मिलता है तो हम घूम भी लेंगे। सो या यही बात थी हम जो कि हम पनवेल जा रहे हैं। तो ये हमारे राजापुर का स्टेशन जो कि हम हर साल यहाँ पे आते हैं भगवान। सो गाइस अभी हम राजापुर पहुँचे हुए हैं। सो गाइस ये राजापुर है, यहाँ हमारा मंदिर है। सो हाँ, यहाँ तो हम साल में एक बार आते हैं हमारे फुल फैमिली के साथ। तो अभी ट्रेन के मतलब ऑन बस जगह पे जा रहे हैं, सिग्नल मिल चुका है, अभी हम जा रहे हैं। हाँ क्या मेरा बोल दिखा उसको, क्या दिखा मैं? अरे ऐसा भी कुली के वापिस जा रहा। हाँ कुली नहीं हो आप। रत्नागिरी स्टेशन पर पहुँचे हैं। सो गाइस अभी हम पनवेल पहुँच चुके हैं, अभी हम उतर रहे हैं। 4:46 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं पनवेल। वंश तो अभी हम फाइनली पनवेल पहुंच चुके हैं। वंश बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। तो ये पनवेल के बाहर है। पनवेल। यहाँ बहुत अंधेरा है, मतलब लाइट है थोड़ी बहुत। सो ये आई थिंक हमारा होटल है। अरे अंकित तो कैसा है, गले का सगड़ी काटता है यहाँ पे।
अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं ब्रश करने, ब्रश करेंगे अभी हम, नीचे कुछ ऐसा है। हमारा सेकंड फ्लोर है उस साइड पे, उस साइड पे, और ये है हम अब नीचे आए हुए हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा। सो गाइस हमारे ब्रश हो चुके हैं, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। सो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा शायद, देखते हैं कितना दिखा पाता हूँ उतना दिखाऊँगा, क्योंकि हम जस्ट एक मीटिंग के लिए आए हैं। ये हमारा रूम था और वहाँ पे बालकनी में मैंने टाइम लैप्स निकाला था। After 1 hour. गाइस अभी हम तैयार होके रेडी हो चुके हैं, अभी हम चाय नाश्ता करने नीचे जाएंगे। वंश तुझे भूख लगी है, चाय पीने चल दे। गा रहे सागरी सीमा मंच। चाय पिएगा, उपमा खाएगा, ये नहीं खाएगा। हाँ चाय के साथ। कब कुछ ज्यादा ही बड़े। भाई सबकी चाय हो चुके हैं, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। सो थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारी मीटिंग होंगी और आपसे मैं मिलता हूँ 1 घंटे बाद। अभी लंच का टाइम हो चुका है, अभी हम सब लाइन में लगे हुए हैं। तर जेवणासाठी आपल्याकडे आहे 2 तऱ्हेची भाजी, रायता, डाळ, चपाती, पापड, भात, लोणचं आणि श्रीखंड। वंश खाना कैसा था? स्वादिष्ट। क्या स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट। टेरेस पे कोई नहीं है, टेरेस पे। वाह, हम टेरेस पे आ चुके हैं। तो अभी के लिए पनवेल यहाँ से ही दिख रहा है, थोड़ा 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 बहुत थोड़ा। अभी हमें थोड़ा रेस्ट है खाना खाने के बाद, सो अभी फिर से हमारी मीटिंग होगी। सो हाँ, मैं आता बाहर फिरायला आलो आहे। माझी मराठी तितकी चांगली नाही। वाव क्या हो गया, हम ऐसे यहाँ पे इस लोकल रास्ते से जा रहे थे और कैसी गाड़ी दिखी हमें, वो स्पोर्ट्स कार। अच्छा हुआ एक राउंड लगा दिया, नहीं तो एक गाड़ी भी नसीब नहीं होती इतनी अच्छी देखने को। तुमचा प्लेट आज ज्ञानी ऐकलं माझं मग चटणी पाहिजे होती मला। गाइस आप सोच रहे होंगे हम कितना खाते हैं, लेकिन ये ब्रेक ब्रेक पर मिलता है, सो क्या करें। हमारा सब कुछ हो चुका है, मीटिंग भी सब खत्म हो चुकी है, अभी हम थोड़ा टाइम मिल जैसा टाइम मिल रहा है वैसे घूम रहे हैं। अभी ज़्यादा बीच बीच में हम मराठी मध्ये बोलेंगे क्योंकि वो यहाँ पनवेल है ना, सो मराठी ज़्यादा है। और एक फ्रेंड से भी मिलाऊँगा जो कि बहुत बड़े एडिकेट है। हाँ इतना तुम्हें आमचे मित्र ॲडव्होकेट सजित ना सजित शिवलकर बोला। आम्ही पनवेलला काल रात्री आलो आहे आणि काल रात्रीपासून बैठक होती, आता बैठक फायनली संपलेली आहे, त्यामुळे आम्ही सगळे गोव्यातले कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळे रत्नागिरीचे कार्यकर्ते आम्ही मॉल बघायला जातो पनवेलचं, आणि एक मंदिर आहे सुंदर ते आम्ही बघायला जाणार आहोत। ओके चला जाऊया जाऊया। तुम्ही आमचं मेन आहे, तुम्ही आमचं मेन आहे, काही तर काही तर बोला काही म्हणा ना, आता पहिले जायचं आणि पाहायचं। ओके ओके चल जाऊ, आनंद घेतला तर तिरावर तो आनंद आला पाहिजे। हो सारखं सारखं। हम बहुत देर से चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ, मतलब मॉल पे जा रहे हैं। सो पता नहीं कहाँ इतने कहाँ पर है मॉल, पनवेलच्या रोड मध्ये चला 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 चालू आहे।
तर मंडळी कपडे घ्यायचे ट्राय करतो. मनीष तुम्ही काय घेणार? काय नाही आता असलं असलं कुर्ता पाय. मनीष तू कुठे घेतला होता असलं कुर्ता? मावशीला दिला होता. कुछ कुछ ये हम है. सो गाइस ये है अनिकेत रंजीकर. सो गाइस ये है वंश दूरी. ये है अनिकेत करंजीकर. सो गाइस ये मॉल बहुत ज्यादा बड़ा है. ले अपने ही लोग नहीं मिल रहे. मतलब अपने ही. सो गाइस अपने ही लोग बिछड़ रहे हैं, मिल नहीं रहे ठीक तरीके से. सो या अपने मॉल घूम ले. अभी हम जा रहे हैं रात के अराउंड 10:30 बज चुके हैं. हमें इसे छोड़ के जा रहे हैं. बाय बाय गाइस. रात के 10:44 बज चुके हैं और अभी हम पनवेल स्टेशन पे आ चुके हैं. और अभी आधे घंटे के अंदर हमारी ट्रेन आएगी. सो यस तो जाएंगे हम फिर से गोवा. अभी सुबह हम 9:10 पहुंच जाएंगे. सो यस आज सुबह हम पनवेल ही पहुंचे थे. अराउंड 5 बजे पहुंचे थे और अभी हम फिर से रात की अराउंड 10:44 में फिर से पनवेल आए. सो अभी ट्रेन आएगी. सो या सो हमारी ट्रेन आ चुकी है. अभी हम जाएंगे. तो हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है. अभी हम जाएंगे फाइनली. तो अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं कल सुबह. सो मैं मिलता हूं आपको कल सुबह. सुबह के 7:30 बज चुके हैं. वैसे तो मैं बहुत जल्दी उठ गया था 7 बजे के पहले. सो अभी हम फिलहाल के लिए गोवा में पहुंच चुके हैं और एक आधे घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे. तो हाँ ऑलमोस्ट. सो अभी उतरने की तैयारी हो रहे हैं. अभी एक जल्दी हम उतरेंगे. आज है 17 अप्रैल और कुछ 2 दिन पहले 15 अप्रैल रात को 7 बजे हमने ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट पनवेल में गए थे. सो वहाँ पे 5:30 बजे हम पनवेल पहुँच गए थे. फिर रिक्शा लेके डायरेक्ट हमारे रूम में पहुँच कर हम फ्रेश होकर पूरा दिन ऑलमोस्ट हाफ डे मीटिंग किया. फिर 6 बजे हमारी मीटिंग ख़त्म होती है. फिर उसके बाद हम पनवेल मॉल के अंदर जाते हैं, मज़ा करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं. फिर उसके बाद 8 बजे वहाँ पर पनवेल खाना खाकर हम रात के 11:30-12 की ट्रेन में बैठकर गोवा लौट आते हैं. सो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग टाइप पनवेल में. सो आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा. सो इस ब्लॉग में बस इतना है. सो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय गाइस.